रिलायंस, वो कंपनी जो आज से 65 साल पहले मसाले बेचा करती थी, आज उसकी वैल्यू 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। आज रिलायंस का बिजनेस ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, डिजिटल सर्विसेज, रिटेल, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे सेक्टर्स के अंदर फैला हुआ है। और इन सारे बिजनेसेस को मिलाकर पिछले साल रिलायंस ने 9,74,000 करोड़ का रेवेन्यू किया। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से रिलायंस ने खुद को बड़ा कर लिया, बाकी बिजनेसेस क्यों नहीं कर पाए? आखिर वो कौन कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज है जो रिलायंस ने यूज करी? और सबसे जरूरी कि वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीख कर अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक कहानी शुरू होती है दिसंबर 1957 में, जब धीरूभाई अंबानी यमन से वापस इंडिया लौटते हैं और यहाँ पर आकर जो पैसा उन्होंने यमन में कमाया था ना, उससे एक ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करते हैं। जिसके बाद उसके अगले साल फरवरी 1958 में धीरूभाई अंबानी मस्जिद मुंडेर मुंबई के अंदर अपनी एक 500 स्क्वायर फीट की छोटी सी दुकान खोलते हैं। और ये छोटी सी दुकान बनती है रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का पहला ऑफिस, जहां से वो मसालों का व्यापार करना शुरू करते हैं। अब मसालों की ट्रेडिंग काफी अच्छी चली रही थी कि साल 1961 में धीरूभाई अंबानी को ये दिखता है कि जो धागा होता है ना, यानी कि पॉलिएस्टर, उसकी ट्रेडिंग भी काफी ज्यादा जोर पकड़ रही है, तो वो ये भी करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस को काफी अग्रेसिवली एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। इन्होंने शुरुआत तो काफी छोटी क्वांटिटी से करी थी, लेकिन धीरे धीरे ये लोग काफी सारे अलग अलग तरीके के धागों में, यानी कि पॉलिएस्टर में ट्रेडिंग कर रहे थे। और बस कुछ ही वक्त में धीरूभाई अंबानी का यार्न ट्रेडिंग में इतना बड़ा नाम हो चुका था कि साल 1964 में ना इनको बॉम्बे यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन एंड एक्सचेंज लिमिटेड, इसका डायरेक्टर बना दिया गया। एंड एज अ डायरेक्टर ना उन्होंने काफी अच्छा काम किया। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर ना ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, तो उन्होंने ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, बहुत सारे रेगुलेशंस, इन सारी चीजों को वहाँ पर इंप्लीमेंट करवाया। मगर कुछ समय बीतने के बाद उन्हें ये समझ में आता है कि ट्रेडिंग में उतना पैसा नहीं है जितना मैन्युफैक्चरिंग में है। इसलिए वो साल 1966 में नरोदा अहमदाबाद के अंदर अपनी पहली टेक्सटाइल मिल सेटअप करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि जो धागा मैं अभी ट्रेड करता था, अब मैं वो धागा बनाऊंगा भी। इसलिए रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन कंपनी का जो ये नाम था ना, इसको बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कर दिया गया। रिलायंस की नरोदा मिल, ये वही मिल है जो इंडिया के अंदर पहली बार टेक्सटाइल रेवोल्यूशन लेकर आई, क्योंकि इस मिल से इंडिया का सबसे आइकॉनिक टेक्सटाइल ब्रांड विमल का जन्म हुआ था। पर यहाँ पर धीरूभाई अंबानी नहीं रुकी, उन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर एक अलग तरीका निकाला। उन्होंने होलसेलर्स को बाईपास किया और वो डायरेक्टली पहुंचे रिटेलर्स के पास कि आप लोग मेरा माल रखना शुरू कर दो। पर यहाँ पर एक कैच था, विमल के लोग हर एक रिटेलर के पास पहुंचे और इन्होंने कहा कि देखो, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसका ये प्राइस है, आप इस प्रोडक्ट को अपनी दुकान पर रखो एंड प्लीज हमें कोई पैसा मत दो, हमें पैसा तब देना जब आपका ये माल बिक जाए, तो हमें फ्रंट में कोई पैसा नहीं चाहिए। अब जब ऐसा होता है तो सारे रिटेलर्स खुश हो जाते हैं कि माल भी रखने को मिलेगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो बहुत सारे रिटेलर्स ने विमल के प्रोडक्ट्स अपनी दुकान में रखने शुरू करे। पर अब माल कैसे बिकेगा? तो ये चीज करने के लिए धीरूभाई अंबानी ने अपना जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो खूब ज्यादा बढ़ा दिया और दबाकर हर जगह पर विमल के एडवर्टाइजमेंट्स रन करे, जिससे कि रिटेलर्स के पास रखा हुआ माल इतनी तेजी से बिका कि अब रिटेलर्स की लाइन लग गई विमल के पास कि हमें आपका प्रोडक्ट रखना है। और बस देखते ही देखते विमल ब्रांड कस्टमर्स की पहली पसंद बन गया। साल 1972 आते आते ना विमल इतना फेमस हो चुका था कि मुंबई के ओपेरा हाउस के पास जो रॉक्सी थिएटर है, वहां पर बॉम्बे में उन्होंने अपना पहला शोरूम खोला। पर पता है एक चीज थी जिसका धीरूभाई अंबानी ने बहुत ही शुरुआती दिनों से ख्याल रखा, और वो चीज थी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। साल 1975 में वर्ल्ड बैंक की एक टीम रिलायंस के टेक्सटाइल में लाई और वो मिल देखकर इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि वो इंडियाज फाइनेस्ट मिल कॉम्पोजिट, इसका दर्जा देते हैं उस पर्टिकुलर मिल को। यहाँ तक कि जब जापान की टेक्सटाइल न्यूज ने भी रिलायंस की मिल को कवर किया ना, तो उन्होंने तक ये लिख दिया कि हमारी कंट्री में जो कि इतना ज्यादा पॉलिएस्टर बनाती है, वहां पर भी आपको इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी जितनी रिलायंस ने अपनी मिल में लगा रखी है। और यही कारण था कि साल 1976 आते तक धीरूभाई अंबानी को हमारे देश का टेक्सटाइल किंग बुलाया जाने लगा। जिसके बाद उसके अगले साल 1977 में आता है रिलायंस का पहला IPO, जो कि लॉन्च होते ही 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। पर यहाँ पे सबसे मजेदार बात पता है क्या है? साल 1980 आते आते तक ना धीरूभाई अंबानी को ये समझ में आया कि ये जितना भी पॉलिएस्टर हम लोग बना रहे हैं, इसका जो रॉ मटेरियल आता है, यानी कि पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न, इस चीज के लिए ना हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट होने की जरूरत है ताकि हमें ये इम्पोर्ट ना करना पड़े। अब अगर पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न इम्पोर्ट नहीं करना, तो उसे इंडिया में बनाना पड़ेगा, और इंडिया में बनाने के लिए आपको चाहिए एक पेट्रोकेमिकल प्लांट। और इसी चीज को सच करने के लिए धीरूभाई अंबानी प्लानिंग करते हैं पाताल गंगा के अंदर अपना पहला पेट्रोकेमिकल प्लांट सेटअप करने का। और पता है ये प्लांट शुरू करने के लिए उन्होंने चुना किसको?
मिस्टर मुकेश अंबानी को, जो उस वक्त स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे थे, वो उन्हें वहां से बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो पतालगंगा में मैं नया एक पेट्रोकेमिकल का प्लांट सेटअप कर रहा हूँ, क्या तुम इसको शुरुआत से बनाना चाहते हो? और यही वो मोमेंट था जहां से मिस्टर मुकेश अंबानी अपने फादर का बिजनेस एम्पायर ज्वाइन करते हैं। अब ये पेट्रोकेमिकल प्लांट 2 साल में बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद अब रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स भी बना रही थी और उसी से बनने वाला यार्न फिलामेंट बनाकर टेक्सटाइल्स भी बना रही थी। जिसके बाद साल 1985 में मिस्टर धीरूभाई अंबानी को समझ में आता है कि अब रिलायंस को एक और रीब्रांडिंग की जरूरत है, तो रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से नाम चेंज करके रख दिया जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब जैसे अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो बहुत सारे बिजनेसेस को ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करने का फायदा मिलता है, क्योंकि इससे टाइम भी बचता है और इससे प्रोडक्टिविटी भी काफी बढ़ती है। पर आज अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो जो बिजनेसेस अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, वो चैलेंज होता है स्किल सेट और अफोर्डेबिलिटी का। क्योंकि अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो इस चीज को आउटसोर्स कर दे, पर आज अगर आपको अपना बिजनेस डिजिटल लेके जाना है तो ये करना बहुत ही इजी है। एंड आई हैव फाउंड अ सॉल्यूशन फॉर यू। देखो मैंने यहाँ पर उडू खोल रखा है, अब मेरे को अगर यहाँ पे एक वेबसाइट बनानी है या फिर एक ई कॉमर्स स्टोर ओपन करना है तो मुझे बस स्टार्ट नाउ इट्स फ्री पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे वेबसाइट आप सिलेक्ट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स की मदद से मैं अपने बिजनेस को डिजिटल लेके जा सकता हूँ, और वो भी बिना कोई कोडिंग करे। और ये सारी चीजें कस्टमाइज हो जाती है, जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिट कर सकता हूँ, कलर्स को चेंज कर सकता हूँ, अगर इमेजेस ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, और कई सारी चीजें हो जाती है। एंड एडिशनली क्योंकि उडू इज अ कम्प्लीट ईआरपी सॉफ्टवेयर, तो ये आपको आपकी कंपनी की बाकी चीजें जैसे कि CRM, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भी करके दे देता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट द फर्स्ट ऐप इज फ्री फॉरएवर। प्लस ये लोग आपको अनलिमिटेड सपोर्ट, होस्टिंग और पर्सनलाइज्ड डोमेन नेम भी देते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, ताकि आप अपने बिजनेस को आगे ले जा पाओ। और जब मैंने खुद इस प्लेटफॉर्म को यूज किया था तो मुझे भी ये बहुत ही ज्यादा अपीलिंग लगा, इसलिए अगर आप भी अपने बिजनेस को डिजिटल लेके जाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए लिंक दे दूंगा, आप जाकर उडू को चेकआउट कर सकते हो। आज अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि रिलायंस इन 4 अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर ऑपरेट करती है, जिसमें पहला बिजनेस है ऑयल टू केमिकल। जब धीरूभाई अंबानी यमन में शेल कंपनी में काम करते थे ना, तो उनका एक सपना था कि मैं इंडिया के अंदर भी एक ऐसी ऑयल रिफाइनरी लगाऊंगा, और वो सपना पूरा होता है साल 1988 में, जब वो गुजरात के हजीरा के अंदर अपना पेट्रोकेमिकल प्लांट सेटअप करते हैं। और साल 1991 आते तक रिलायंस के हजीरा पोर्ट का जो पहला फेज है वो कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंदर रिलायंस ने काफी ज्यादा अलग अलग तरीके के पॉलीमर्स, पॉलिएस्टर्स, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। कुछ सालों तक हजीरा प्लांट चलता है, जिसके बाद साल 1999 में धीरूभाई अंबानी जामनगर के अंदर एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी सेटअप करने का प्लान बनाते हैं। ये रिफाइनरी बनकर तैयार होती है, जिसके अगले 2 साल के अंदर अंदर यानी कि साल 2001 में जामनगर के एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो एक और रिफाइनरी सेटअप करते हैं। अब ये जो दोनों रिफाइनरीज हैं, ये दोनों मिलाकर बनता है जामनगर कॉम्प्लेक्स। और पता है ये इंडिया की नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड ग्रास रूट रिफाइनरीज है। एक 7,500 एकड़ में फैली हुई रिफाइनरी, जिसके अंदर एक फुल्ली इंटीग्रेटेड यूनिट है, पावर जनरेशन कॉम्प्लेक्स है, एक टर्मिनल कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ तक की एक पोर्ट के साथ साथ अपनी टाउनशिप भी है। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आज रिलायंस के पास जामनगर रिफाइनरी के साथ साथ हजीरा जैसे 10 और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, जहाँ पे जो जामनगर रिफाइनरी से आने वाला आउटपुट है ना, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स, पॉलिएस्टर, एरोमेटिक्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और आज अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो रिलायंस का जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है ना, वो उनके टोटल रेवेन्यू का 41.5% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि उनके सारे बिजनेसेस से ज्यादा है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो 5,94,650 करोड़, ये पैसा उनके सिर्फ ऑयल टू केमिकल बिजनेस ने कमा कर दिया था। अब ऑयल टू केमिकल के बाद आता है रिलायंस का दूसरा बिजनेस सेगमेंट, जो कि है डिजिटल सर्विसेज। रिलायंस ने ना साल 1995 में टेलीकॉम बिजनेस की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन ये लॉन्च होता है साल 2002 में, जब रिलायंस इंफोकॉम दुनिया के सामने आता है। पर फिर उसी साल धीरूभाई अंबानी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद कुछ साल बाद दिसंबर 2005 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, इनके बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बंटवारा होता है,
और रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस आता है अनिल अंबानी के हाथ में, पर टेलीकॉम का सारा बिजनेस तो मुकेश अंबानी ने बनाया था। इसलिए फिर उसके दो साल बाद साल 2007 में मुकेश अंबानी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड इस नाम से एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी शुरू करते हैं और साल 2010 में इसी कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर एक सब्सिडरी बनाया जाता है। और ये जो सब्सिडरी कंपनी थी, आज इसी कंपनी को आप रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नाम से जानते हो। और जियो प्लेटफॉर्म्स के अंडर अगर आप देखोगे तो जियो टेलीकॉम, जियो सिनेमा, जियो फाइबर, जियो मार्ट, जियो पेमेंट्स, जियो सावन, ऐसी कई सारी सर्विसेज इन लोगों ने बिल्ड करी। और पिछले साल रिलायंस के डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट ने उनके ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर 33.6% का कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो पहला सबसे बड़ा बिजनेस था ऑयल टू केमिकल और दूसरा सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है उनका डिजिटल सर्विसेज बिजनेस। पर पता है जो तीसरा सेगमेंट है वो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा बन जाए, विच इज रिटेल। रिलायंस ने साल 2006 में रिलायंस रिटेल नाम से एक सब्सिडरी शुरू करी ताकि वो इंडिया के रिटेल मार्केट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर पाए। और आज ये जो रिलायंस रिटेल के स्टोर्स है ना, ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह काम करते हैं, जहाँ पर 18,040 स्टोर्स हैं, जिसके अंदर 24.9 करोड़ लोगों का कस्टमर बेस है। और सिर्फ रिलायंस रिटेल, ये एक सेगमेंट इतना बड़ा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आओ दिखाता हूँ। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस सेंट्रो, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स फुटवेयर, जियो स्टोर्स, जस्ट डायल, हैमलीज, जियो मार्ट, अजियो, अर्बन लैडर, नेटमेड्स, 7-11, ऐसी कई सारी कंपनीज आती है इनके अंडर। तो फैशन लाइफस्टाइल से लेकर फार्मेसी तक अगर रिटेल सेगमेंट की बात करें तो रिलायंस हर जगह घुस चुकी है। और पिछले साल रिलायंस के रिटेल सेगमेंट ने 2,30,951 करोड़ का रेवेन्यू करके दिया। अब ये रेवेन्यू डिजिटल सर्विसेज बिजनेस से ज्यादा तो है, लेकिन रिटेल में मार्जिन कम होता है, इसलिए ये सिर्फ 12% कंट्रीब्यूट करता है रिलायंस के ओवरऑल प्रॉफिट में। पर इसके बाद जो चौथा सेगमेंट आता है उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को अंडरस्टैंडिंग है, और वो है रिलायंस का गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस। साल 2002-2003 के आसपास ना रिलायंस ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर गैस रिजर्व्स को डिस्कवर किया, जिसके कुछ साल बाद साल 2009 में उन्होंने वहां से गैस प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। और तब से लेकर आज तक रिलायंस ने लगभग 2.8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस, साथ साथ 33 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें वहां से निकाल ली है। जिससे पता है इंडिया को कितना फायदा हुआ है, हमारे देश ने सिर्फ इस एक चीज की वजह से $40 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स बचा लिए हैं, जो हमारी कंट्री यूज करती है बाहर से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए। और रिलायंस के इसी बिजनेस ने पिछले साल 16,508 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो कि रिलायंस के ओवरऑल बिजनेस के अंदर 9.1% का कंट्रीब्यूशन करता है। पर पता है रिलायंस का जो सबसे कम प्रॉफिट है वो आता है उनके मीडिया बिजनेस से, 6,223 करोड़, जो कि करीब उनके ओवरऑल प्रॉफिट का 3.8% है, जहां पर वो CNBC, मनी कंट्रोल, वूट, कलर्स एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें चलाते हैं। लेकिन सवाल ये कि रिलायंस ने ये जो इतना जबरदस्त एक्सपेंशन कर रखा है, आखिर इसके पीछे की बिजनेस स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है? देखो यहाँ पर रिलायंस ने इन दो बिजनेस स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किए जिसने आज उनके एम्पायर को इतना बड़ा बना दिया, जिसमें पहली स्ट्रेटजी है वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर आप शुरू से लेकर आज तक रिलायंस के एक्सपेंशन को देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है। जैसे कि सबसे पहले वो मसाले इम्पोर्ट करते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया, फिर धागों की ट्रेडिंग करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे अपनी टेक्सटाइल की मिल खोल दी कि अब मैं धागे खुद ही बनाऊंगा। अब टेक्सटाइल मिल पे फैब्रिक बनने लगा तो उन्होंने कहा कि क्यों ना कपड़े भी बनाना शुरू कर दूं, तो फैब्रिक भी बन रहा है, कपड़े भी बनाने शुरू कर दिए और विमल लॉन्च कर दिया। अब ये सारी चीजें करने के लिए रिलायंस को जरूरत थी बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर बनता है पेट्रोकेमिकल से, तो पेट्रोकेमिकल का प्लांट लगा दिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, पेट्रोकेमिकल का प्लांट भी रिलायंस का है, तो पेट्रोकेमिकल भी वो बना रहे हैं, उस पेट्रोकेमिकल से बनने वाला फैब्रिक भी वो बना रहे हैं, उस फैब्रिक से बनने वाले कपड़े भी वो बना रहे हैं, और उन कपड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी वही कर रहे हैं। अब इस पूरी चेन में एक लेवल और पीछे आते हैं, जो पेट्रोकेमिकल है वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने से बनता है। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्रूड ऑयल को रिफाइन करने वाली रिफाइनरी भी बना दी। तो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से लेकर कपड़ा बनने तक हर एक चीज के अंदर उन्होंने अपने हाथ डाले। अब इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि स्टार्ट से लेकर फिनिश प्रोडक्ट बनने तक जो पूरा का पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है ना, उस पूरे प्रोसेस पे कंट्रोल आ जाता है। जब प्रोसेस पे कंट्रोल आ जाता है तो सारी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो, जिससे कि जो एंड प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा बनता है। प्लस हर एक प्रोसेस के अंदर अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो उन बाय प्रोडक्ट्स की सेल से भी पैसा कमाया जा सकता है, जो रिलायंस करती है। लेकिन
यहाँ पर जो ये क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है ना, इससे भी एक लेवल पीछे आते हैं। वो होता है कि ये क्रूड ऑयल ढूंढना भी तो है, ये तेल निकालेगा कौन? तो यहाँ पे रिलायंस का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस आता है। तो तेल भी हम निकालेंगे, रिफाइन भी हम करेंगे, उससे पॉलिएस्टर भी हम बनाएंगे, उससे फैब्रिक भी हम बनाएंगे, वहां से लेकर जो कपड़ा बनेगा वो भी हमारा होगा। और इसी स्ट्रेटजी को अगर आप बहुत ही ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा जो रिलायंस का डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस है ना, वो वहां पर भी ये सेम चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक टेलीकॉम कंपनी खोली, लोगों के हाथ में सिम और नेटवर्क दिया, साथ में बाकी सारे डिजिटल सर्विसेज भी लेकर आ गए। जियो टीवी लेके आ गए, जियो सिनेमा लेकर आ गए, इसके अलावा जियो सावन लेके आ गए जहां पे गाने सुन सकते हो, और बहुत सारी सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं। पर यहां पर जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है एक्सपैंड विद इंडिया। देखो, रिलायंस को शुरुआती दिनों से पता था कि अगर उसे बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन करके पूरे इंडिया का मार्केट चाहिए ना, तो उसे प्राइस को अफोर्डेबल रखना पड़ेगा और क्वालिटी को अच्छा रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप रिलायंस को स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि ये लोग अपना मार्जिन बहुत कम रखते हैं। ये लोग एक्चुअली में खेलते हैं वॉल्यूम पे कि एक कस्टमर से कम पैसा कमाऊंगा लेकिन बेचूंगा बहुत सारे लोगों को। तो जैसे जैसे इंडिया ट्रांसफॉर्म हुआ, वैसे रिलायंस ने भी खुद को ट्रांसफॉर्म किया। जिसे आज अगर आप देखोगे तो हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग ऑयल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करके रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मूव करेंगे। दैट इज द रीजन कि रिलायंस भी अपना ऑयल बिजनेस को कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रही है। और यही है जिसको कहते हैं एक्सपैंड विद इंडिया। जैसे जैसे देश बदल रहा है, देश में लोगों की नीड्स बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, वैसे वैसे रिलायंस अपने बिजनेसेस का और बिजनेस करने का तरीका बदलता है। और यही कारण है कि इतने साल पहले 500 स्क्वायर फीट के ऑफिस से शुरू करी गई कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनकर बैठी है। और पता है क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह ही हमारे देश की ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो आज बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आखिर वो इतने कामयाब बने कैसे, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी थी जो उन कंपनीज ने यूज करी, और सबसे जरूरी बात कि उनसे सीखने के लिए क्या क्या है। पता है, ऐसी एक हमारे देश की कंपनी है एशियन पेंट्स, जो पूरे एशिया के मार्केट की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। पर ये कंपनी यहाँ तक पहुँची कैसे, इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल कैसे करी, और 1967 में जब इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ करता था ना, उस टाइम पर भी ये देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी थी। तो ये सब हुआ कैसे, अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हो ना, तो ये राइट वाली वीडियो ज़रूर से देखना।